हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SS Study 2.0 पर। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने विकारी अविकारी शब्दों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। आज का जो वीडियो है वो संज्ञा के बारे में है। तो देखिए, संज्ञा के बारे में समझते हैं। संज्ञा का जब शाब्दिक अर्थ की बात आती है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है किसी का नाम, किसी का नाम, किसी के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसको देखिए, समधन क्या है, ज्ञा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम्यक ज्ञान कराने वाला, सम्यक ज्ञान कराने वाला ही क्या है, संज्ञा कहा जाता है। ऐसे तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन मूल बात दिमाग में रखिए, संज्ञा का मतलब होता है कि किसी का नाम ही क्या है, संज्ञा है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इस संसार में जो भी चीजें हैं, उनका कोई ना कोई नाम है। बिना नाम के संसार में उसकी कोई पहचान नहीं होती है। अगर पहचान किसी की है तो उसके नाम से होती है। अगर मेरी पहचान है तो मेरे नाम से पहचान है। मान लीजिए मेरा नाम न हो, इस दुनिया में हम हैं लेकिन मेरा नाम न हो, क्या कोई मुझे जानेगा, किससे जानते हैं, नाम से। अगर कोई चीज बनी इस संसार में, किसी का आविष्कार हुआ और उसका नाम अगर दे दिया तो उसका अस्तित्व हो गया इस संसार में। पूरे संसार की जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है। जब नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा है तो उसका अस्तित्व है। बिना संज्ञा के, बिना नाम के संसार में किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो आपको समझना है कि संज्ञा का मतलब हुआ किसी का नाम होना ही क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा के भेदों की बात आती है, इसकी परिभाषा होती है। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है। मान लो नाम किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, नाम किसी का भी हो सकता है। तो इसकी जो परिभाषा आती है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो यहीं से बन जाता है, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। परिभाषा यहीं से निकल गई, नाम किसी का हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कितने प्रकार के होते हैं। जो नाम है संसार में, जो वस्तुएं हैं, जो स्थान है, जो प्राणी है, जो या कोई भाव है, तो इसके आधार पर जब बात आती है तो संज्ञा के मुख्यतः जो भेद माने जाते हैं वो तीन माने जाते हैं। मुख्यतः जो भेद हैं वो तीन माने जाते हैं। देखो कैसे तीन भेद हैं, वो देखिए। सबसे पहले इसमें जो भेद आता है वो आपका आता है व्यक्तिवाचक, व्यक्ति वाचक। दूसरा जो आता है वो आपका आता है जातिवाचक। तीसरा जो आता है वो आपका आता है भाववाचक, भाव वाचक, ठीक। अब पांच भेद है या तीन भेद है, इन पे कंफ्यूजन हो जाता है कि पांच लगाए जाए या तीन लगाए जाए। तो रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर जब बात आती है तो तीन ही भेद हैं। लेकिन दो पार्ट और आपके आते हैं, दो भेद, वो आपके आते हैं। एक आ जाता है समूहवाचक, समूहवाचक। एक आता है आपका द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। यहां केवल समझ लीजिए, जब पीडीएफ बनाऊंगा, प्रश्न जब बनाएंगे तो इस दोनों ही प्रश्न आपके आए, कैसे तीन है और कैसे पांच है, उनका हो जाएगा। यहां केवल सुन लीजिए आप, जब व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाता है तो संज्ञा के भेद कितने माने जाते हैं, तीन। कितने माने जाते हैं, तीन भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। प्रयोग के आधार पर आते हैं तो कितने हो जाते हैं, पांच हो जाते हैं। तो मुख्यतः जो भेद माने जाते हैं संज्ञा के, तीन ही माने जाते हैं। इस तरह से आपके पांच भेद हो जाते हैं। हम इन सब की चर्चा करेंगे कैसे होते हैं।
तो संज्ञा की परिभाषा क्या निकल के आई कि किसी वस्तु प्राणी स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आप सब लोग समझ लीजिए कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, इनमें अंतर समझना है कैसे हो जाता है। तो देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसका मतलब यह है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु एक प्राणी एक स्थान का किसी एक का बोध जब होता है तब तो बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने ना संज्ञा का पढ़ रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, किसी का नाम होना ही क्या है, संज्ञा है। अब उसमें सबसे अब इनकी प्रकार चलाएंगे, संज्ञा के भेद चलेंगे, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आपका इस तरह से मैं समझा दिया, संज्ञा के मुख्यतः जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं, ठीक है, प्रयोग के आधार पर आपके पांच भेद हो जाते हैं आके। चलिए तो बात आज चल रही, सबसे पहले बात चलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। इसका मतलब होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु एक प्राणी एक स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे हमने किसी एक का नाम लिया, हमने कह दिया मान लो राम कह दिया, तो राम चूं क्या है, नाम है, और राम कहने से केवल राम का बोध हो रहा है। अगर हमें क्या कहने, मान लड़का है राम, मान लेते हैं लड़का है, क्या है ये लड़का है राम, हमने लड़का कह दें तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, लड़का क्या हो गई, लड़का जाति हो गई कि कोई भी लड़का हो सकता है इस दुनिया का। लेकिन जब मैंने केवल कह दिया राम बोल दिया, जब राम कह दिया तो इसका मतलब हुआ उस लड़कों में से किसी एक का नाम ले दो आप, यानी जात में से किसी एक का, किसी अब केवल राम की बात हो रही, श्याम राम, राम की मैंने बात, राम को अगर पुकारा है तो राम की बात होगी, श्याम की मोहन की और इनकी नहीं होगी, किसी और की नहीं है, बल्कि किसी की बात हो रही, केवल राम की बात हो रही। तो इसका मतलब क्या, व्यक्तिवाचक का मतलब क्या हुआ, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु एक प्राणी एक स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए हम और लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने क्या कह दिया, मान लो मैंने कह दिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कह दिया, अब उत्तर प्रदेश कह दिया, ये प्रदेशों के नाम प्रदेश कही है, लेकिन सब प्रदेशों की बात हम केवल ये कह दें प्रदेश कह दें, क्या कह दें, प्रदेश। अब प्रदेश जब कह दिया मैंने, या हम क्या कह दें, राज्य कह दें, तो ये हमारी जात हो गई, क्यों, राज्य कहने से कोई भी राज्य हो सकता है, क्योंकि राज्य का मतलब है कोई भी राज्य, राज्य की जात बन गई, प्रदेश कह दें तो वो जात बन गई, लेकिन उसमें से हमने एक नाम निकाल लिया और नाम दे दिया मैंने उत्तर प्रदेश। अब बात आ रही है केवल उत्तर प्रदेश की, इसका मतलब क्या हुआ परिभाषा के अनुसार कि जिससे किसी एक का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे प्रदेश राज्य कह दें तो जाति हो गई, हमने उनमें से एक नाम ले दिया उत्तर प्रदेश, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। हमने ऐसे ही मान लीजिए क्या कह दिया, नदी कह दिया, अब नदी कह दिया, अब नदी तो जाति हो गई, अब इस नदी में से किसी एक का नाम ले दो, क्योंकि इसका मतलब ही क्या, व्यक्ति विशेष का बोध होना, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति विशेष का बोध होता था, किसी एक वस्तु एक प्राणी एक स्थान का बोध होता उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नदी में से हमने नाम निकाल लिया, मैंने कह दिया गंगा कह दिया, अब बात केवल गंगा की हो रही है, अन्य नदियों की बात नहीं हो रही। तो समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति विशेष का बोध हो, किसी एक वस्तु एक प्राणी एक स्थान का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है किसकी, जातवाचक की। जातवाचक का मतलब है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब नदी कहने का मतलब है कोई भी नदी हो सकती है, अब व्यक्ति विशेष की बात नहीं आ रही, जातवाचक में क्या होता है, संपूर्ण जाति का, इसकी परिभाषा बन जाती है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, या किसी प्राणी, कोई प्राणी लेने उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखो भाव में क्या होता है, भाव के अंतर्गत ये आते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से, अब जब प्रदेश और राज्य कह दिया या नदी कह दिया, एक तो जात बन गई, हमने जिला कह दिया,
जात हो जाएगी, इसमें किसी का नाम ले देंगे तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा आपका। ऐसे ही अब भाव देखो, भाव का मतलब ये होता है कि कोई भी भाव हो सकता है। जैसे मान लो हम क्या कह दें, ईमानदारी कह दें, तो भावाचक संज्ञा होती है उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे समझ लीजिए। अब ईमानदारी को आप महसूस तो कर सकते हो, बुढ़ापा जैसे है, क्या है, बुढ़ापा है, इसको आप महसूस तो कर सकते हो लेकिन इसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भावाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब देख लीजिए इसको हम और विस्तार से समझाते हैं। हाँ, आप समूहवाचक समझ लीजिए कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक में क्या होता है, द्रव्यवाचक में आपका आता है कि जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल सबके समझा रहे हैं आपको, देख लीजिए एक एक एग्जाम्पल। हम इस ग्राफ को लेके आ रहे हैं एक ही उसमें, पहला इसमें क्या है आपका, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा आपका आ जाएगा यहां पे जातिवाचक। तीसरा इसमें हो जाएगा आपका भाववाचक। चौथा हो जाएगा आपका समूहवाचक। इसमें हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। इसमें देख लीजिए कि जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति विशेष का बोध होता है, या कह सकते जिस संज्ञा सबसे एक वस्तु एक प्राणी एक स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए इसके, एग्जाम्पल में समझ लीजिए इसके, उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण इसका हो जाएगा आपका, जैसे कविता टाइम में लिख लीजिए, कविता टाइम में लिखिए, व्यक्ति दिशा देशों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा की चल रही है बात, व्यक्ति दिशा देशों के नाम, व्यक्ति दिशा देशों के नाम, त्योहार नगर नदियों के नाम, त्योहार नगर नदियों के नाम, त्योहार नगर नदियों के नाम, दिन महीना पर्वतों के नाम, दिन महीना पर्वतों के नाम, दिन महीना पर्वतों के नाम, पुस्तक पत्र पत्रिकाओं के नाम, पुस्तक पत्र पत्रिकाओं के नाम। अब एग्जाम्पल में लिखाने को हम ऐसे भी लिखा सकते हैं, जैसे लिखा दे हिमालय लिख लो हम, लेकिन गंगा लिख लो, रामायण लिख लो, ये भी लिखा सकते हैं, रामचरितमानस लिख लो। अब आप समझ लीजिए, अब कई चीज समझ में आ जाएंगे। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी दिशा का नाम, मान लो हमने मोहन सोहन राम सीता कर दिया तो ये क्या जाएंगे, व्यक्ति का नाम हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, व्यक्तिवाचक। किसी दिशा का नाम, जैसे मान लो दिशा का मतलब मैंने क्या कह दिया, पूर्व कह दिया, पूर्व कह दिया, ये दिशा का नाम है पूर्व, तो पूर्व मेरी क्या मानी जाएगी, दिशा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी देश का नाम ले दें, हमने मानो क्या कह दिया, श्रीलंका कह दिया, श्रीलंका कह दिया, तो ये श्रीलंका कहने से क्या हुआ कि श्रीलंका किसी देश का नाम है, और किसी देश का नाम कोई भी ले लो, श्रीलंका कह दो, ऑस्ट्रेलिया कह दो, पाकिस्तान कह दो, चीन कह दो, तो ये सब क्या है आपके व्यक्तिवाचक में। किसी त्योहार का नाम कह दो, मान लो मैंने क्या कह दिया, होली कह दें, दीपावली कह दें, दिवाली कह दो, दीपावली कह दो, तो ये क्या है आपके त्योहार का नाम। किसी नगर का नाम कह दो, जैसे हमने कह दिया कानपुर कह दिया आपका, कानपुर कह दिया, कानपुर नगर है आपका, हमने
दिल्ली कह दिया, दिल्ली भी नगर है आपका। हम किसी नदी का नाम ले दें, जैसे मान लो हमने क्या कह दिया, गंगा कह दिया, किसी भी नदी का नाम ले दो, वो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। दिन का मान मैंने कह दिया सोमवार, अगर सोमवार कह दिया तो भी क्या है, दिन का नाम हो गया था। और ये भी क्या माना जाएगा, व्यक्तिवाचक। किसी महीना का नाम कह दें, हमने कह दिया सावन, सावन महीना कह दें तो सावन महीने के बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी पर्वत का नाम कह दें, हमने कह दिया कंचन जंघा, और कंचन जंघा जब कह दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा पर्वत का नाम है, तो पर्वत का नाम किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक में। पुस्तक का नाम ले तो हमने इसमें मान लो क्या कह दिया, कामायनी कह दिया, हम कामायनी कह दिया तो किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक जरूरी, कामायनी। कोई भी पुस्तक, किसी भी पुस्तक का नाम, किसी भी पत्र का नाम ले दो, किसी पत्रिका का नाम। अब ये समाचार पत्र आते हैं, जैसे हमने कहे दैनिक जागरण कहते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण कह दूंगा, तो दैनिक जागरण जब मैंने कह दिया तो क्या है, पत्र है ये, समाचार पत्र है। और किसी पत्रिका का नाम ले दो, हमने हमने कहा सारिका पत्रिका, या सरस्वती कह दे मान लो, केवल सरस्वती, सरस्वती की बात हो रही है, अन्य पत्रिकाओं की थोड़ी बात हो रही है। तो कहने का मतलब होगा किसी और भी चीजों के नाम हो सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में मैंने इतनी चीजें लिख दी है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा, व्यक्ति विशेष का बोध होना, किसी एक वस्तु, एक प्राणी, एक स्थान का बोध होना, ही क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं जातिवाचक में, जातिवाचक देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल देखो। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा सबसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए, जैसे मान लो एक एक करके कराते हैं तो बहुत सारे लिखा सकते हैं हम, लेकिन यहां पे केवल आपको ऐसी पंक्तियों में लिख लो, जैसे हमने कह दिया रिश्ते पद ब्या बसायो, के नाम, किसी रिश्ते का नाम ले दोगे तब भी आपका क्या है, जातवाचक संज्ञा। किसी पद का नाम ले दोगे तब भी जातवाचक, किसी व्यवसाय का नाम ले दोगे तब भी क्या है, जातवाचक। रिश्ते पद व्यवसायों के नाम हो गए, पशु पक्षी तथा वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम। रिश्ते पद व्यवसायों के नाम, पशु पक्षी तथा वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समझ लीजिए कैसे जाता है, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी रिश्ते का नाम ले दो, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया भाई कह दिया, बहन कह दिया, मौसा मौसी कह दिया, तो ये सब रिश्ते हैं, जो सामाजिक रिश्ते होते हैं उनके जो नाम होते हैं वो सब किसमें जाते हैं, जातवाचक संज्ञा। कोई भी रिश्ता है, उसके बाद पद, किसी पद का अगर नाम ले देंगे हम तो वो क्या है, आपका जात में जाएगा। जैसे हमने कह दिया मंत्री कह दी, मान लो हमने क्या कह दिया, मंत्री है, मंत्री एक पद है, ठीक है। विधायक कह दिया, विधायक का पद है भाई, विधायक कह दिया। अगर ये जात में से किसी का एक का नाम हम ले दें तो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। हमने मंत्री कह दिया तो क्या है, जातवाचक संज्ञा है। और इसमें से हम नाम ले दें, मान लो इसमें से हम किसी का नाम ले दें, किसी मंत्री का, तो वो नाम किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो मंत्री कैसा हुआ, यानी पद है तो क्या मान जाएगा, जातिवाचक। हमने कह दिया अध्यापक, अध्यापक कह दिया तो अध्यापक क्या है, जात है। कोई भी अध्यापक हो सकता है, संपूर्ण अध्यापक, जितने भी अध्यापक सबका बोध करा रहा है ये। अब हम कह दें छात्र, छात्र भी, वो भी क्या है, जातिवाचक, ठीक है। हमने कोई व्यवसाय, जैसे व्यवसाय
पढ़ाने काम है अध्यापकता है, पढ़ने का क्या करना है? तो छात्र ने कह दिया तो पढ़ने काम हो गया उसका, अध्यापक का क्या हो गया? पढ़ाने काम हो गया। तो ये जो होते व्यवसायों के नाम कह दें या किसी पद का नाम कह दें, कोई भी पद हो गया एक्स वाई जेड, आपके उस पद का नाम जब लेंगे तो क्या माना जाएगा? जातवाचक माना जाएगा। बस 25 वस्तुओं के नाम यहां पे समझ लीजिए। यहां लोग ये समझते थे तोता कह दें हम, अब तोता कह दिया तो वो ये सोच लेते हैं कि तोता क्या है? नाम है। पक्षियों में से किसी एक का नाम उन्हें तोता कह दिया तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं, क्योंकि तोता है संपूर्ण, तोता पक्षियों की बोध, पक्षियों का बोध करा रहा है यहाँ पे। तो जितने भी तोता होंगे उस सबका बोध करा रहा है ये। तो तोता क्या हो गई? जात। या किसी पक्षी का नाम क्या? तोता। ऐसे ही किसी पशु का नाम शेर कह दें जैसे, तो किसी पशु का नाम ले दो या किसी पक्षी का नाम ले दो तो वो सबके सब व्यक्तिवाचक में जाके किस में जाएंगे? जातवाचक में जाएंगे। अगर मैं तोता कौवा कह दें वो भी जातवाचक में जाएंगे, शेर कह दें, लोमड़ी कह दें, ये भी किस में जाएंगे? आपके जातवाचक में जाएंगे। आपको समझना ये है कि ये पशु पक्षियों के नाम जो हमेशा किस में जाते हैं? जातवाचक में जाते हैं। हाँ, जैसे नाम रख लेते हैं बहुत सारे, तोते हमारे पास अगर पले हैं, मान लीजिए हमने 10 तोते पाल लिए और उनके अलग अलग नाम रख लिए, फिर उनमें से किसी नाम को लेके हम बुलाते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आपका चला जाएगा। लेकिन तोता कहेंगे जब तक हम, तब तक वो किस में जाएगा? जात में। जिसे जैसे हिंदी में पद्मावत है उसमें हीरावन तोता का जिक्र आता है, तो केवल हीरावन तोता की अगर हम बात कह दें तो केवल हीरावन तोते की बात होगी ना, कि तोता की संपूर्ण जात की बात हो रही है। तो किसी का नाम जैसे जैसे रख लेते हैं तो वो अलग बात है, तो वो कहां जाएगा? नाम रख लेते हैं तब वो व्यक्तिवाचक जाए। ऐसे ही किसी वस्तु का नाम कह दें, मेज कहने का मतलब है मेज, मेज जैसे कह दिया तो मेज संपूर्ण मेजों का बोध करा रहा है, मेज सब उसकी जात का बोध करा रहा है। किसी वस्तु का नाम ले दें हम आप, ठीक है। प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्व जैसे मैंने कह दिया ज्वालामुखी कह दिया, अब ज्वालामुखी जैसे है तो ये अपने आप में शब्द में क्या है? प्राकृतिक तत्व है ये ज्वालामुखी, तो ये माना जाएगा जातवाचक। अब इसमें से हम नाम ले दें किसी का, किसी ज्वालामुखी का नाम अगर ले दिया तो नाम रख जाएगा तो वहां पहुंच जाएगा व्यक्तिवाचक। तो ये ज्वालामुखी हम कह दें भूकंप, कई प्रकार के भूकंप आए उनके नाम दे देते, नाम जब दे दोगे तो व्यक्तिवाचक माना जाएगा। हम केवल भूकंप बात कहते हैं तो व्यक्तिवाचक न होगा, क्या हो जाएगा? भूकंप शब्द क्या है? प्राकृतिक तत्व है, तो ये किसमें माना जाएगा? जातवाचक माना जाएगा, ठीक। ऐसे ही अब आ जाइए भाववाचक संज्ञा, समझ में आ गया होगा। अब भाववाचक में देखिए, जिस संज्ञा शब्द किसी भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे समझ लीजिए इसको, अब इसमें एग्जांपल में समझिए आप, जैसे हमने क्या कह दिया? बुढ़ापा, ईमानदारी, बुढ़ापा कह दिया, ईमानदारी कह दिया हमने, हमने कह दिया मिठास कह दिया, मिठास कह दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कह दिया और बचपन कह दें, ये मैंने कह दिया मान लो, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये ध्यान एक चीज और समझनी है इसमें, कि जो भाववाचक संज्ञा है इसका निर्माण होता है कई तरीके से। हम एक एक एग्जांपल देते हैं आप सबका, देखो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, उसका निर्माण होता है पहला देखिए इसमें, जैसे मान लो जातवाचक संज्ञा से, जातवाचक संज्ञा से, जैसे जातवाचक संज्ञा ले मैंने मित्र ले लिया, मैंने मित्र से क्या बन जाएगा? मित्रता बन जाएगा। ऐसे ही शत्रु से क्या बन जाएगा? शत्रुता बन जाएगा। दूसरा देखिए सर्वनाम से, सर्वनाम से बन जाती है भाववाचक संज्ञा, जैसे मान लो सर्वनाम मैंने ले लिया, मम ले लिया, ममता कह दिया हमने, मम से ममता कह दिया, मित्रता या ममता जो कहा मैंने, ये क्या माना जाएगा? भाववाचक माना जाएगा, ठीक है। तीसरा देख लें विशेषण से,
हम एक एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब विशेषण, जैसे मान लो मैंने कह दिया सुंदर, सुंदर आपका विशेषण, हम कह दिया सुंदरता बन गया। जात संज्ञा संज्ञा विशेषण क्रिया से, देखो क्रिया से भी जो कैसे बन जाता है, जैसे मैंने कह दिया क्रिया मारना से क्या बन जाएगा, मार बन जाएगा। मारना से क्या बन गया, मार, तो ये भाव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या है कि इनका जो निर्माण होता है वो संज्ञा जातवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, और इनका प्रयोग एक और होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। वो भी एक समझ लीजिए संक्षिप्त में यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे हमने कहा रावण कह दिया, अब रावण जैसे मैंने कह दिया तो रावण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और बाद में प्रयोग कह दिया कि कलयुग में गली गली रावण घूम रहे, तो इसका मतलब ये रावण शब्द केवल एक के लिए नहीं, अब गली गली रावण घूम रहे इसका मतलब क्या हुआ कि उस रावण के स्वभाव इतने लोभ है, वो सबका द्योतक हो गया ये शब्द रावण, तो ये यहीं से क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा जातवाचक संज्ञा। बात आगे बढ़ते हैं, हम जित बात आ गई भाववाचक संज्ञा की, हम देखते हैं समवाचक संज्ञा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल हम समझ लीजिए इसको, जैसे हमने क्या कह दिया, मान लो ढेर कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं ढेर, तो ढेर का मतलब है एक दाना नहीं होता, अनाज का ढेर बोलने या फलों का ढेर बोलने, तो फलों का ढेर बोलोगे तो एक फल नहीं होगा, वहां क्या है फलों के क्या है बहुत सारे फल होंगे, यानी समूह बन जाएगा। तो ढेर हो गया, हमने हमने कह दिया सेना, सेना कहने से एक सैनिक का बोध नहीं हो रहा, बल्कि सेना कहने से क्या है बहुत सारे सैनिकों का बोध हो रहा। हमने कह दिया छावनी, छावनी बहुत सारे सैनिक होते हैं, हमने क्या कह दिया गुच्छा कह दिया, अब गुच्छा कह दिया एक गुच्छा का मतलब बहुत सारे, अंगूरों का गुच्छा, तो अंगूरों गुच्छा जैसे कहा एक अंगूर तो नहीं होता है, एक से अधिक का समूह हो गया वो। इस तरह से आपने बहुत सारे शब्द हैं इसमें, एग्जाम्पल में इतना ही समझ लीजिए। और उसके बाद आती है द्रव्यवाचक, यानी इसकी परिभाषा ही हो जाती है जिस संज्ञा शब्द से नाप तौले वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए इसको, अब एग्जाम्पल में जैसे समझेंगे तो देखो हमने कह दिया पानी, पानी कह दिए, दूध, दही, तेजाब, हमने पानी दूध दही तेजाब ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्यों कहने की नाप तौल हम कर सकते हैं। तो आज हम समझते इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।